आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 टीवी खबर। मध्य प्रदेश से ऐसे शिक्षक शिक्षाकर्मी संविदा शिक्षक गुरुजी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या जिनके परिवार में असमय परिवार को वो व्यक्ति जो कर्मचारी थे उनकी मृत्यु हो गई है और उन्हें एनपीएस के तहत एक अल्प पेंशन 350 से लेकर 2000 के बीच दी जा रही है, जिससे वह अपने दुख दर्द पीड़ा दवाई खान पान नहीं कर पा रहे हैं और बहुत ही दुविधाजनक दुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इससे दुखी होकर उन सभी के द्वारा एक पद यात्रा और लोटन यात्रा निकाली जा रही है। यह यात्रा सीहोर जिले के कुंवरेश्वर धाम से भोपाल तक 51 किलोमीटर लोटन यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें इनकी कामना है कि माननीय सरकार माननीय अधिकारीगण इस यात्रा से द्रवित होकर इन सब सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे और इन्हें ग्रेच्युटी का भी भुगतान करने के आदेश जारी करेंगे। इन शिक्षकों की ग्रेच्युटी की राशि 6 लाख से 9 लाख के बीच बनती है, जिसे अधिकारियों द्वारा दबा लिया गया है और भ्रमित आदेश निकालकर इन्हें ग्रेच्युटी से वंचित कर पुरानी पेंशन से भी वंचित किया जा रहा है। लोटन यात्रा करते हुए भोपाल जाने वाले पारस राम कपाड़िया जी रतलाम से हैं। इनके द्वारा यह साहसपूर्ण कार्य समस्त शिक्षकों के हित में उठाया जा रहा है। इस कार्य में शिक्षा कर्मी विधिक समिति इन्हें सहयोग कर रही है। इसे तो यात्रा के प्रारंभ में विधिक समिति के प्रदेश अध्यक्ष राजेश मिश्रा ग्वालियर से उपस्थित रहे और प्रथम चरण की यात्रा में भरपूर सहयोग प्रदान किया। राजेश मिश्रा प्रदेश के सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं सेवा जनक शिक्षकों से भी यह याचना करते हैं कि वह इस साहसी और कष्टकारी लोटन यात्रा में भरपूर सहयोग दें। आप ये देख रहे हैं एनपीएस की वास्तविक हकीकत कि जो हमारे दिवंगत आश्रित और जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, आप देख लीजिए इनकी पेंशन किसी की 350 है, किसी की 400 है, किसी की 800 है, किसी की 1200 है, अधिक से अभी तक 1800 रुपये की मासिक एनपीएस पेंशन बन रही है। क्या वो अपने बेटियों को पढ़ा सकते हैं? क्या वो अपने गैस की टंकी भरा सकते हैं? क्या अपने घर का राशन ला सकते हैं? ये लकवाग्रस्त बालाराम जी पारोतिया क्या इनके लकवे का इलाज करवा सकते हैं? इस एनपीएस का सीधा सीधा अर्थ ये है कि पुरानी पेंशन ओपीएस बुढ़ापे का सम्मान थी, लेकिन अंशदायी पेंशन एनपीएस बुढ़ापे में अपमान दे रही है। इसलिए इस अपमान से निकलने के लिए हम कुंवरेश्वर धाम सीहोर से 25 तारीख को यह पद यात्रा से लोटन यात्रा शुरू करके 1 तारीख को भोपाल माननीय मुख्यमंत्री जी से इसकी हकीकत अवगत कराने जा रहे हैं। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, जैसे बच्चा माँ के आगे जिद करता है और यदि उसकी जिद पूरी नहीं होती है तो वो लौटने लगता है, इसी प्रकार से हम ये शिक्षक साथी दिवंगत साथियों और जीत पूरी करने के लिए हम लौटते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से और उनका ध्यान आकर्षित करवाने के लिए भोपाल तक जा रहे हैं कि आप इनके बुढ़ापे का सम्मान पुरानी पेंशन वापस कर दो, इसको बहाली कर दो। यही हमारा उद्देश्य।